हेलो एवरीवन, आज हम हमारी हनी ड्यू बुक की फर्स्ट पोइम रीड करेंगे विच नेम इज़ द आंट एंड द क्रिकेट। आंट होती है चींटी और क्रिकेट होता है झिंगू। तो ये एक एनिमल की स्टोरी है। एनिमल की स्टोरी को हम फैबल बोलते हैं, मतलब कि स्टोरी का सिनोनिम इज़ कॉल्ड फैबल। जो एनिमल्स के कैरेक्टर होते हैं जिसमें, तो हम उसको एक फैबल स्टोरी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ए फैबल इज़ ए स्टोरी ओफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वे ए मॉरल। मतलब ये एक एनिमल्स की ऐसी स्टोरी है जिससे कोई ना कोई मॉरल निकल कर आता ही आता है। दिस पोइम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज एज ट्रू ऑफ फोर लेग्ड क्रिकेट ऑफ ए टू लेग्ड वन। श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट That has two legs। तो कहता है कि जो इस पोइम में आइडिया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट आइडिया, मतलब कि इसका जो मॉरल है बहुत सिग्निफिकेंट सा है। और इसमें जो है हमारा क्रिकेट फोर लेग्ड क्रिकेट है, जो कि टू लेग्ड क्रिकेट के ऊपर भी अप्लाई होता है। टू लेग्ड क्रिकेट का कंपैरिजन इसमें एक ह्यूमन बींग के साथ किया गया है। तो देखते हैं इस पोइम में क्या है। ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टमड टू सिंग। सिली होता है बेवकूफ क्रिकेट, मतलब कि एक झिंगूर, एक बेवकूफ सा झिंगूर। अकस्टमड टू सिंग, जिसको मतलब कि बहुत ज़्यादा गाने का शौक होता है, मतलब एडिक्टेड है वो गाने का। ठीक है, अकस्टमड क्या होता है, एडिक्टेड होना किसी चीज़ का, मतलब कि आदत लग जाना। थ्रू द वॉर्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, वो हमेशा गाता रहता था। जो गर्मी के दिन थे, जब सूर्य निकलता था, मतलब कि जब बहुत अच्छा सूर्य निकलता था और जब पतझड़ का मौसम होता था, वो हर टाइम क्या होता था, गाता रहता था। गम होता है गम, गरम। और स्प्रिंग क्या होता है, पतझड़ का मौसम होता है। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। बिगेन मतलब शुरू कर देना, कंप्लेन शिकायत, वो शिकायत करना शुरू कर देता है किससे, खुद से ही। व्हेन, जब ही फाउंड दैट, जब वो क्या पाता है एट होम अपने घर पे, हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी। कपबोर्ड होता है अलमारी, मतलब कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर वो कुछ सामान रखता है, वॉज एम्प्टी, एम्प्टी होता है खाली। वो क्या पाता है, अपने कपबोर्ड को खाली पाता है। वो अपने आप से शिकायत करना शुरू कर देता है जब वो अपने घर में अपने कपबोर्ड को खाली पाता है। और क्या देखता है, खाली किस चीज़ से, मतलब कि वो देखता है कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। और एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी जो है वो आ चुकी है। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, कहता है कि अब तो मेरे पास खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं है, मतलब कि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, एक पीस ऑफ ब्रेड तक नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, हर जगह उसको क्या दिखाई देती है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई देती है। जो हमारा उसका घर जो था वो सारा किससे कवर हुआ हुआ था, स्नो से, मतलब बर्फ से कवर हुआ हुआ था। नोट ए फ्लावर कुड ही सी, उसको एक फ्लावर मतलब कि एक फूल भी दिखाई नहीं दे रहा था। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, उसको एक पत्ता भी पेड़ पर दिखाई नहीं दे रहा था। ओ वट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब वो खुद ही कहता है कि अरे अब क्या होगा। क्रिकेट अपने आप से बोलते हैं कि मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कहीं पर भी कुछ नहीं है खाने के लिए, उसने कुछ बचाया ही नहीं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमियन मेड बोल्ड, लास्ट में क्या होता है, स्टारवेशन मतलब कि भूख से मर जाना बिल्कुल, मतलब भूखमरी। एंड फेमियन होता है लैक ऑफ फूड, मतलब कि फूड की कमी होना, खाने की कमी की वजह से, और उसको भी भूख लग रही होती है, भूख से मर जाने की, मतलब कि मर जाना मतलब कि मरी हुई हालत हो जाने की वजह से। मेड बोल्ड, उसको मजबूर कर देती है, मजबूर बना देती है। मेड मतलब बनाना, बोल्ड वैसे साहसी होता है, बट इसमें उसको मजबूर बना रही है। क्या मजबूर बना रही है, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रैम्पलिंग विद कोल्ड। वो क्या करता है, वेट होता है सर्द, मतलब कि गीला गीला होता है वो, मतलब कि पूरा भीगा हुआ होता है और ठंड से कम कपारा होता है। अवे ही सेट ऑफ टू ए मिसरली एंट, और वो किसके पास जाता है, मतलब कि ठंड से कम कपाता हुआ और भूख से मरा हुआ, वो किसके पास जाता है, एक माइजरली एंट, मतलब कि एक बुद्धिमान चींटी के पास जाता है। माइजरल होता है बुद्धिमान। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, यह देखने के लिए कि क्या वह उसको जिंदा रखने के लिए कुछ देती है या नहीं देती। ही वुड ग्रांट, वो उसको बोलता है, हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रिपेड टुमोरो। वो कहता है कि क्या तुम मुझे बरसात में रहने के लिए जगह दे दोगी, शेल्टर का मतलब होता है रहने के लिए जगह देना, एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन होता है कुछ खाने के लिए देना, और क्या मुझे थोड़ा सा पेट भरने के लिए खाना दे दोगी। ही विश्ड ओनली, वो यह सोचकर जाता है कि वो सिर्फ उसे उधार लेगा और जो कि वो उसे आज या कल में चुका देगा।
इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो, अगर वो उसको उधार नहीं देगी तो वो, मतलब कि कुछ भी खाने के लिए नहीं देगी तो वो भूख से मर जाएगा। भूख और स्टार्वेशन होता है भूख मरी, और सोरो क्या होता है दुख, तो वह दुख और भूख से मर जाएगा अगर चींटी उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देगी। सेज द आंट टू क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। आंट क्रिकेट को बोलती है कि मैं तुम्हारी गुलाम और तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मतलब कि तुम्हारी दोस्त हूँ, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड। बट जो हम चींटियाँ होती हैं वो ना तो उधार देती है और ना ही उधार लेती है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय वेन द वेदर वॉज वॉर्म। तो वो क्या है, जो आंट है वो उसको पूछती है क्रिकेट से कि जब मौसम गर्म था क्या तुमने कुछ भी खाने के लिए नहीं बचाया। कोट द क्रिकेट नोट, और फिर क्रिकेट क्या कहता है कि नहीं, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट फॉर ऑल नेचर लुक्ड के यू सैंग सर यू से। कहता है कि मेरा जो हार्ट था वो बहुत ही लाइट सा रहता था, मतलब कि मैं जब भी नेचर को देखता था तो मैं बहुत अच्छा फील करता था, इसीलिए मैं दिन और रात गाता रहता था। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। तो आंट उसको क्या बोलती है, ठीक है तो जाओ फिर और विंटर को भी ऐसे ही भगा दो, जाओ डांस करो नाचो और विंटर को भगा दो, सर्दी को भगा दो। दस एंडिंग ही हास्टली लिफ्टेड द क्रिकेट। तो लास्ट में क्या होता है कि वो जो क्रिकेट है वो हास्टली जल्दबाजी में अपना उसके हाथ में जो भी होता है उसको उठाकर चल पड़ता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, वो मतलब कि दरवाजे की तरफ टर्न करता है बेचारा पुअर क्रिकेट, वो जो कि मझिंगूर होता है। फोक्स कॉल दिस ए फैबल, फोक्स होता है लोग, लोग इसको क्या कहेंगे फैबल, मतलब कि एनिमल्स की स्टोरी बोलेंगे। आई विल वॉरंट इट ट्रू, कहते कुछ लोग क्या बोलेंगे कि ये तो सिर्फ एक स्टोरी है। इसमें जो पोइट है वो कह रहा है ये दो लाइनें कि लोग तो इसको क्या बोलेंगे कि एक स्टोरी है, बट मैं इसको सच मानता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स बट एंड सम हैव टू, कहता कि ये तो क्रिकेट था जिसके फोर लेग्स थे, मतलब तो एनिमल था, बट कुछ लोग रियल में मतलब ह्यूमन बींग भी ऐसे होते हैं जो फ्यूचर की चिंता नहीं करते, वो उनको पता ही नहीं होता कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है, तो उसके लिए कोई सेविंग्स नहीं करते, कुछ नहीं करते, और फिर बाद में लोगों से मदद मांगते फिरते हैं कि हमें हेल्प कर दो, हमें बोरो कर दो, और प्रेजेंट में वो अपने लिए कुछ भी बचा कर नहीं रखते। तो इसीलिए जो ये स्टोरी है वो सिर्फ फोर लेग्स क्रिकेट पर नहीं बल्कि टू लेग क्रिकेट के ऊपर भी अप्लाई होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।